मथुरा के राजा कंस के आतंकी साय में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कंस की बहन देवकी और वसुदेव के आठवें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण के जन्म की कथा सभी को पता है। जन्म के पहले श्री कृष्ण ने कारागार में बंद देवकी और वसुदेव को अपने विराट दर्शन देते हुए बताया कि वह उनके गर्भ से शिशु के रूप में जन्म ले रहे। इसी समय वसुदेव के मित्र वृंदावन निवासी नंद के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। जन्म के पूर्व चतुर्भुज भगवान ने के बताए अनुसार वसुदेव अपने पुत्र को नंद के घर छोड़ उनकी कन्या को कारागार में ले आए। उनके वापस लौटते ही कारागार के सैनिक निद्रा से जाग उठे और कंस को सूचना दी तो वह कारागार में आया और कन्या को जमीन पर पटक कर मारने लगा। लेकिन यह क्या, कन्या तो आकाश की ओर चली गई और आकाशवाणी की कि तेरी मृत्यु करने वाला बालक तो जन्म ले चुका है। श्री कृष्ण पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे और जीवन भर इस पवित्र रिश्ते को निभाते रहे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने और युधिष्ठिर के हस्तिनापुर का महाराज बनने के बाद श्री कृष्ण अपनी बहन से मिलने आए तो द्रौपदी ने उलाहना दिया, वासुदेव यदि आप चाहते तो मेरे पति को दुर्योधन से चौसर में हारने ही न देते, जबकि चीरहरण में मेरे पुकारते ही आप मेरी रक्षा करने पहुंच गए, आखिर ऐसा क्यों किया? उन्होंने सहजता से उत्तर दिया, मेरी प्यारी बहना, युधिष्ठिर भैया ने चौसर खेलने के लिए मुझे तो बुलाया ही नहीं। यदि शकुनी के मुकाबले मैं उनकी तरफ से पासे फेंकता तो वह कभी नहीं हारते। मैं तो उसी की मदद करता हूँ जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता। यह वास्तविकता भी है कि लोग ईश्वर का स्मरण सुख आने पर ही करते हैं। इसीलिए कबीर दास ने सबकी आंख खोलने के लिए कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। जय श्री कृष्णा।